तो फाइनली मैंने टेरिफायर 3 देख ही ली, जो मुझे एक ठीक ठाक हॉरर मूवी लगी। तो जिन्होंने टेरिफायर 1 और 2 देखी है वो जानते हैं इस फ्रेंचाइजी को, जिसमें एक क्लाउन होता है जो अपने मजे के लिए लोगों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर और आनंद के साथ मारता है। तो वही सेम चीज इसमें भी होती है, जिसमें थोड़ी स्टोरी डालने की ट्राई की है। चल झूठा। हाँ, स्टोरी मूवी में स्टोरी है, जिसका उतना ही रोल है मूवी में जितना कि हमारी लाइफ में खुशी का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, वो वाली खुशी नहीं। नहीं, भाई। तो मूवी शुरू होती है टेरिफाइड 2 के इंसिडेंट के 5 साल बाद से, जिसमें लॉरेन लावेरा और एलियट फुलम के कैरेक्टर सियाना शो और जोनाथन शो रिटर्न करते हैं, और आर्ट द क्लाउन भी और विक्टोरिया हाइज भी। तो सियाना और जोनाथन टेरिफाइड 2 के इंसिडेंट के बाद से मेंटली काफ़ी अनस्टेबल हो जाते हैं और अपनी लाइफ को जैसे तैसे रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम देखते हैं सियाना मेंटल हॉस्पिटल से निकल कर अपनी आंट के घर जाती है और जोनाथन किसी कॉलेज में स्टडी कर रहा होता है, और फिर आर्ट और विक्टोरिया की एंट्री होती है जो वही सब काम लोगों को मारने वारने का शुरू कर देते हैं, जो एट द एंड सियाना तक पहुंच ही जाते हैं। तो मूवी का प्रीमाइस यही है कि क्या सियाना फिर से जो उसने 5 साल पहले हेलोवीन में किया था वो दोहरा पाएगी, नहीं और क्या जोनाथन और सियाना फिर से बच पाएंगे, जिसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। सो मूवी एक डिसेंट हॉरर मूवी है जो अपने स्लैशिंग मोमेंट के लिए जानी जाती है, जो हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। जो चीर फाड़ और खून खराबा दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा घिनौना लगता है। डेविड हावर्ड की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, बिना कुछ बोले बस फैसियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर से जो अपनी फीलिंग्स डिलीवर की है वो काफ़ी बेहतरीन है। बाकी सबकी एक्टिंग ठीक ठाक ही है। इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है, बस स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है और मूवी थोड़ी लेंथी फील होती है। सो ओवरऑल मूवी इंजॉयबल तो है, जिसे आप आर्ट द क्लाउन के फैन हो और आपने टेरिफायर 1 और 2 देखी है तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए फील द फियर।